सिटी पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से और वेस्ट और ईस्ट जोन दोनों मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन में गांजा स्मगलिंग का एक इंटर स्टेट गैंग का गिरफ्तारी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक महीने में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के आदेश के मुताबिक हैदराबाद सिटी में और पूरे तेलंगाना स्टेट में स्पेशल ऑपरेशन अगेंस्ट गांजा चल रहा है और अभी तक हैदराबाद शहर में 78 केसेस बुक हुए हैं पिछले एक महीने में, जिसमें 121 पर्सन की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आज सुबह का ऑपरेशन है, इसमें एक डीसीएम टाटा व्हीकल जो इसके पहले भी लगभग 6 बार ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था और ये ट्रांसपोर्टेशन आंध्रा नरसीपट्टनम से शुरू होता है और विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, जहीराबाद, वहां से अहमदनगर महाराष्ट्र में जाता है और हर ट्रिप में लगभग 200 से 400 केजी गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनके पास से लगभग 30 लाख का गांजा रिकवर हुआ, जो कि 10 बैग में थे लगभग 300 केजी। ये दोनों ऑफेंडर्स के नाम हैं विलास भाव साहेब धोंकाने, एज 33 इयर्स, और ये ड्राइवर कम ओनर है गाड़ी का, ओरिजिनली औरंगाबाद का रहने वाला, महाराष्ट्र स्टेट। और दूसरा ध्यानेश्वर मोहिते, 26 ईयर एज है इनका, एक एकॉम्प्लिस है विलास भाव साहब, जो कि एक नोटोरियस इंटर स्टेट गांजा पेडलर है। इन लोगों का काम है कि नक्कापल्ली क्रॉस रोड, वहां से जो कि तुनी के पास है, वहां से ये लोग शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में। उनके पास से दो सेलफोन की भी रिकवरी हुई है, जिसका एनालिसिस हमारे टेक्निकल टीम कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे कुछ लोग जो बहुत छोटे पैसे के लिए, खास करके यंग बॉयज एज ट्रांसपोर्टर यूज हो रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूं, उनको वार्निंग देना चाहता हूं, ये छोटे पैसे के लिए आप अपनी जिंदगी को खराब नहीं करिए। एक बार अगर आपका केस आपके ऊपर नारकोटिक्स एनडीपीएस का केस होगा तो आपको आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आपको वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इन सब चीजों से दूर रहें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो हैदराबाद सिटी पुलिस के जो व्हाट्सएप नंबर है 9490616555, उस पर खबर करें, या लोकल मोबाइल पेट्रोल कार ब्लू कोल्ट, या हमारे लोकल जो एसआई साहब हैं, सेक्टर एसआई एसएचओ साहब, उनको बताएं। आज एक और चीज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, सैफाबाद पुलिस स्टेशन में आज अर्ली मॉर्निंग एक रॉबरी हुआ, जिसमें डोमेस्टिक हेल्प, एक हस्बैंड वाइफ के रूप में काम करते थे जो नेपाल से आए थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉय जो कि एक मारवाड़ी फैमिली था, उनके यहाँ करीब एक महीने से काम करते थे, और उनके घर में आज सुबह रॉबरी किए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रॉबरी के बाद वो नेपाल वापस